गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो आज की क्लास में एक स्टोरी है. ओके मतलब आज की क्लास हमारा स्टोरी टाइम है ना. और स्टोरी कौन सी है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ. यूनिटी इज स्ट्रेंथ. एकता में ही शक्ति होती है. ओके ये है हमारा आज के स्टोरी का टाइटल है ना. अब जो हमारा टाइटल है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये टाइटल क्यों दिया हुआ है उसके लिए हम एक स्टोरी देखने वाले हैं. ओके तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपके टेक्स्ट बुक्स ओपन करने हैं. और हमारा है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 21. ओके देखो यहाँ पर एक स्टोरी दिख रही है ना, है दी हुई स्टोरी. अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये पूरी स्टोरी दी हुई है, मैं आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझा के दूंगी. और इस स्टोरी को पूरा समझने के लिए और सुनने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा. ओके तो बेटा हम हमारे स्टोरी स्टार्ट करते हैं है ना. तो बहुत सालों पहले की बात है. ओके वंस अपॉन ए टाइम, देखो अब यहाँ पर दिया हुआ है, एन ओल्ड मैन लिव्ड विद हिज फोर सन्स इन द विलेज. ओके बहुत सालों पहले की बात है, एक ओल्ड मैन, ओल्ड मैन कौन, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन, वो अपने फोर सन्स के साथ एक विलेज में रहता था है ना. एक कौन है, ओल्ड मैन है और वो किसके साथ रहता था, वो अपने फोर सन्स के साथ में रहता था. अब ओल्ड मैन फोर सन्स के साथ कहाँ रहता था, यस ही लिव्ड विथ हिज सन्स इन अ विलेज, इन अ विलेज. ओके जो ओल्ड मैन है वो अपने फोर सन्स के साथ एक विलेज में रहता था. ओके नेक्स्ट इज द ओल्ड मैन वॉज वरीड, हिज सन्स वर ऑलवेज क्वारलिंग विथ ईच अदर. अब ये जो ओल्ड मैन है वो बहुत ही वरीड रहता था. कैसा रहता था ये ओल्ड मैन, वरीड है ना, WORRIED, वरीड. वरीड मतलब यस, वरीड मतलब चिंता में रहना, वरीड मतलब चिंता में रहना. तो ये जो ओल्ड मैन था वो फुल टाइम वरीड रहता था, फुल टाइम चिंता में रहता था. क्यों, क्योंकि उसके ये जो फोर सन्स है वो फुल टाइम क्या करते थे, ये जो फोर सन्स है ये फुल टाइम फाइटिंग करते रहते थे. क्या करते रहते थे, फाइटिंग करते रहते थे है ना. फाइटिंग, क्वारलिंग, क्वारलिंग मीन्स झगड़ा करना, एक दूसरे से बहस करना. ओके कोई काम हम नहीं करते थे, सिर्फ सारा दिन फाइटिंग, लड़ना, झगड़ना, बहस करना, ये सब करते थे. और ये सब देखने के बाद में जो ओल्ड मैन था वो बहुत चिंता में रहता था. ओके देन उसके बाद में दिया हुआ है हमें, दे वुड नेवर एग्री ऑन एनी पॉइंट, वो किसी भी पॉइंट को एग्री नहीं करते थे. मतलब अगर फोर सन्स है और उसमें से किसी एक सन ने कहा कि ये ठीक नहीं है है ना, तो हमें ऐसा करना चाहिए, तो वो दूसरा कह रहा था नहीं 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 नहीं, हमें ऐसा ही करना चाहिए, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होना चाहिए. इसी तरह सभी की सोच थी है ना, चारों सन्स थे वो यही सोचते थे कि जैसा हम कहेंगे वैसा ही होना चाहिए. ओके और फिर उससे क्या होता था, उन सब में फाइटिंग होती थी है ना. हाँ और ओल्ड मैन जो था इन सारी बातों से बहुत परेशान हो गया था. ओके देन द ओल्ड मैन हैड ट्राइड टेलिंग देम मेनी टाइम्स टू अवॉइड फाइटिंग. ओके ओल्ड मैन ने
उन्हें बहुत टाइम समझाया, बहुत बार रोज़ ही उन्हें समझाता था कि आपको फाइटिंग नहीं करना है, आपको मिलजुल कर रहना है। लेकिन जो चारों सन थे वो सुनते ही नहीं थे, वो ओल्ड मैन की अपने फादर का बिल्कुल सुनते नहीं थे, और वो फादर डे बाय डे बहुत ज़्यादा वरीड और बहुत ज़्यादा चिंता में डूबने लगा। बट ही सन्स वुड नॉट लिसन टू हिम, दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग, और हर चीज़ के लिए वो झगड़ा करते रहते थे, काम तो करते ही नहीं थे, है ना। सो वन डे ही कॉल्ड हिज फोर सन्स, ही गेव देम स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क देम टू ब्रेक द बंडल इंटू टू, इट्स सो ईजी। Said the eldest son, he took the bundle and tried to break it. He was surprised that the stick in the bundle remained unbroken. Okay, अब ये सब देखने के बाद में old man को एक idea आया, है ना। बहुत परेशान हो गया था old man, फिर उसे एक आइडिया आया। उसने क्या किया, अपने फोर सन्स को बुलाया, है ना। एक दिन क्या किया, उसने अपने फोर सन्स को कॉल किया, है ना, बुलाया, और क्या कहा उनको, एक एक स्टिक दी उन्होंने, है ना। इस ओल्ड मैन ने अपने फोर सन्स को वन वन स्टिक दी, फोर चारों के पास में, ओके, और उनको कहा कि इनको टू पार्ट्स में तोड़ दो, ब्रेक करो। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट तोड़ दी, है ना, इट्स टू इजी, ओके। फिर ओल्ड मैन ने क्या किया, ओल्ड मैन ने अपने फोर सन्स को बंडल ऑफ स्टिक्स दिया, है ना, फोर सन्स को बंडल ऑफ स्टिक्स। अब बंडल ऑफ स्टिक्स मतलब क्या होता है, तो बहुत सारी लकड़ी का बंच, है ना, वो उसने अपने फोर सन्स को दिया, ओके। क्या किया, ओल्ड मैन ने बहुत परेशान हो गया था, इसलिए उसने अपने फोर सन्स को एक दिन बुलाया और एक बंडल ऑफ स्टिक्स का बंच मतलब दिया, उसने स्टिक्स का एक पूरा बंच दिया और कहा कि तुमको इस बंडल को टू पार्ट्स में ब्रेक करना है, टू पार्ट्स में तोड़ना है, ओके। फिर क्या होता है, देखो अब आगे। बड़ा बेटा, है ना, वो कहता है ये तो बहुत इजी काम है, मैं इसे फटाफट से तोड़ दूंगा। वो पकड़ता है, और जैसा कि हमारे पास में ये बंच है, है ना, है ना, हमने फोर इसका बंच बनाया, तो ये टूट रहा है क्या, नहीं, अगर ये सिंगल होता तो ये जल्दी से टूट जाता, वो टूट रहा ही नहीं था। फिर अब क्या करना है, ये तो टूटा ही नहीं। फिर नेक्स्ट वन ने ट्राई किया, थर्ड फोर्थ, इस तरह से चारों सन्स जो थे इन चारों ने ट्राई किया, बट दे डोंट ब्रोक द बंडल, बट दे डोंट ब्रोक द बंडल ऑफ स्टिक्स, ओके। चारों सन्स ने ट्राई किया लेकिन चारों इस बंडल ऑफ स्टिक्स को ब्रोक नहीं कर पाए, तोड़ नहीं पाए, ओके। फिर इससे क्या पता चला, हाँ, तो इससे ये पता चलाता है कि जब हम एक साथ संगठित होंगे, जब हम एक साथ होंगे, तब हमारी शक्ति जो है वो बढ़ जाती है ना। और इस तरह से फिर वो क्या करते हैं, उन्हें समझ में आता है कि आज तक जो हमने काम किया वो गलत था, है ना। ओल्ड मैन ने परेशान होकर एक दिन उन्हें समझाने का एक तरीका ही ढूंढ लिया, और उसने बंडल ऑफ स्टिक्स दिया जो चारों के चारों सन्स नहीं तोड़ पाए, है ना। तो ओल्ड मैन ने उन्हें बताया कि तुम चारों इसी तरह से हो, तुम चारों को कोई तोड़ नहीं सकता है, अगर तुम चारों चाहो तो हम बहुत ही सफल और बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं, है ना।
अकेले की शक्ति कभी भी काम नहीं आती है, हमें मिलजुल के एक साथ रह के ही पूरे काम करने चाहिए। और ये बात उन चारों संस को समझ में आती है और समझ में आने के बाद में वो रोज़ काम करना स्टार्ट करते हैं और चारों भाई मिलजुल कर रहते हैं। ओके, सो हमारी इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल मिला कि हम एकता में बहुत शक्ति होती है। अकेले रहकर हम कोई काम जो नहीं कर सकते हैं वो साथ मिलकर हमारे सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो इस तरह से ये थी हमारी स्टोरी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ओके, मैंने आपको ये स्टोरी समझा के दी है। अब आपको क्या करना है, आपको जो ये पूरी स्टोरी है वो रीडिंग करनी है, क्योंकि जब तक आप रीड नहीं करोगे तो आपको स्टोरी समझ नहीं आएंगी। ओके, तो आज की क्लास के लिए स्टोरी थी। अगली क्लास में और एक नई कहानी के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।